नवाल बेटा, क्या बात है, बहुत कमजोर लग रही हो। क्या खाना पीना छोड़ दिया है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे भूख भी लगती है और मैं खाना भी खाती हूँ। पता नहीं आपको क्यों कमजोर लग रही हूँ। लेट मी गेस, आप सोच रही होंगी कि मैं भी बाकी औरतों की तरह डट कर खाऊं मक्खन हलवे घी, पर आई एम सो सॉरी, मुझसे ये सब नहीं होगा। नवीन नहीं आई, 3 बज रहे हैं। हाँ अंकल, वाकई 3 बज गए, लेकिन वो क्या है ना, नवीन आजकल 3 बजे 4 बजे या कभी कभी तो उससे भी लेट आती है घर। अच्छा, अरे नोट नहीं किया, शायद उसकी कोई क्लास होगी। भैया अचानक से ऐसी कौन सी क्लासेस आ गई कि हमें ही नहीं पता। होगी कोई क्लास, उसे पता होगा। तुम कौन सा यूनिवर्सिटी जाती हो? तुम तो कभी यूनिवर्सिटी गई नहीं, तुम्हें क्या पता हो? अब आंटी अचानक से क्लासेस आ जाएं या फिर खबरों में आ जाए ये बात, मुझे एक बात तो बताएं, ये हर सैटरडे को नवीन ड्राइवर को घर भेजकर अपनी सहेली के साथ वापस क्यों आती है? अच्छा बात, नवीन ड्राइवर के साथ आए या अपनी सहेली के साथ, वो 3 बजे आए या 6 बजे आए, वो सैटरडे को लेट आए या ट्यूसडे को, उसकी अपनी मर्जी है। तुम्हें उसकी टोल लेने या उसकी फिक्र करने में घुलने की जरूरत नहीं है। लो भला, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया कि अंकल नाराज होकर चले गए? अब फायजा आपा की वजह से परेशान है, उसका गुस्सा मुझ पर तो नाना निकालें। नवीन की फिक्र में अगर मैंने थोड़ा कुछ कह दिया तो इसमें क्या बुराई है? आखिर बहन है मेरी छोटी, फिक्र तो हो गई, इसमें मेरी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? और वैसे आंटी, अगर आपको नहीं पता तो एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। आजकल रातों को देर देर तक मैंने नवीन को गार्डन में टहलते हुए देखा है। फोन पर हंस हंस के किससे बातें कर रही होती है, अल्लाह ही जाने। आपको नहीं पता, मैंने देखा है। फायजा आपा का क्या मसला है?